दोस्तों, आज हम लापसी बनाएंगे। मैंने 200 ग्राम मोटा रवा लिया है, जो गेहूं का रवा, और 150 ग्राम गुड़ है, आप जागीरी भी बोल सकते हैं। 3 इलायची है, छोटा वाला ग्रीन वाली, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है। अब हम सबको साइड में रख देंगे। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले कढ़ाई ले ली है। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। मैंने बड़ा वाला चम्मच से 1 चम्मच घी लिया है। देखिए दोस्तों, घी गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इलायची डालने के बाद थोड़ी देर के बाद अब हम इसके अंदर रवा ऐड कर देंगे। रवा को अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अच्छा मिक्स करने के बाद इसको चलाते हुए 4-5 मिनट भूनना है मीडियम गैस पर। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसी प्रकार चलाते हुए 4-5 मिनट पका लेना है। गैस को मीडियम रखना है। देखिए दोस्तों, 4-5 मिनट के बाद रवा फ्राई हो गया है। आप नज़दीक से देख सकते हैं, इतना ही फ्राई करना है इसको। ब्राउन होने तक ज़्यादा नहीं करना है। फ्राई होने के बाद अब हम इसके अंदर 1/2 लीटर गर्म पानी है वो ऐड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 1/2 लीटर पूरा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। गैस को एकदम लो कर देंगे और 2-3 मिनट और पकाएंगे, और बीच में चेक कर लेना है। देखिए दोस्तों, 3-4 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइम में अब हम इसके ऊपर गुड़ डाल देंगे। गुड़ को अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसी प्रकार गुड़ को अच्छा मिक्स करना है। बिल्कुल भी इसमें गुड़ की छोटी मोटी डली नहीं रहना, जबी तो अच्छा स्वीट बनेगा। थोड़ा सा केसर येलो कलर ऐड कर देंगे। कलर को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कलर भी अच्छा मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट इसको इसी प्रकार पकाएंगे। एक चम्मच घी ऐड कर देंगे और इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। घी को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसकी जगह कोकोनट के छोटे छोटे टुकड़े भी करके डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, लापसी बनकर रेडी है। गैस को बंद कर देंगे। आप भी एक बार ज़रूर बनाएंगे दोस्तों इसी प्रकार। लापसी बहुत स्वादिष्ट बनती है और बहुत टेस्टी भी रहती है। ज़रूर बनाएगा दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।